तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारी माइनक्राफ्ट की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप स्मार्ट टॉर्च का मोड कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में। गाइस, ये बहुत ही अच्छा मोड है। इसके अंदर आपको एक स्मार्ट टॉर्च देखने को मिल जाती है, आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी केव्स में जाने में। गाइस, अगर आपके पास एक ही टॉर्च है तो गाइस आप इसको लेफ्ट हैंड में भी होल्ड करके रख सकते हो, और साथ में गाइस इसको जहाँ लेके जाओगे आप वहाँ पर रोशनी कर देगी। तो गाइस मैं भी आपको वो भी दिखाने वाला हूँ, तो यार वीडियो को फुल देखना होगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उसको कर लेना है आपको डाउनलोड। और डाउनलोड करने के बाद गाइस सिंपल सा उस पर क्लिक करके आपको कर लेना है उसको माइनक्राफ्ट से इंपोर्ट। और गाइस इंपोर्ट करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि गाइस मैंने मीडिया फायर की लिंक दे रखी है। और गाइस इंपोर्ट करने के बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। और गाइस जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करोगे आपको थोड़ी सी देर वेट करना है जब तक आपकी सेटिंग ओपन ना हो जाए। तो मेरी सेटिंग ओपन हो गई है। उसके बाद आपको ग्लोबल रिसोर्स में जाना है, माई पैक में जाना है। और गाइस जो हमारी स्मार्ट टॉर्च का एडन है उसको एक्टिवेट कर लेना है। और गाइस बैक आ जाना। और जैसे आप बैक होगे आपकी थोड़ी लोडिंग मांगेगा, तो गाइस आपको लोडिंग होने देना है। और गाइस जैसे आपकी लोडिंग पूरी हो जाए उसके बाद आपको प्ले पे क्लिक करना है। तो मैं जल्दी से इसको लोडिंग को होने देता हूँ। तो गाइस मेरी लोडिंग हो गई, उसके बाद आपको प्ले पे क्लिक करना है। और गाइस जैसे आप प्ले पे क्लिक करोगे आपको कर लेना है एक वर्ल्ड को क्रिएट। तो गाइस जैसे मैंने वर्ल्ड क्रिएट पे क्लिक किया आपको थोड़ी सी देर वेट करना है। और गाइस अपना आप वर्ल्ड सर्वाइवल भी रख सकते हो, क्रिएटिव भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ से क्रिएटिव रख लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और गाइस जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे आपको हॉलीडे क्रिएटर के ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन ऑन कर लेने। और गाइस ध्यान रखना आपको एक्टिव चीट्स हमेशा ऑन रखने। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है रिसोर्स पैक में, और यहाँ पे जाना है माई पैक में। और गाइस जो स्मार्ट टॉर्च का एडॉन है उसको कर लेना है एक्टिवेट, और बिहेवियर पैक से भी इसको एक्टिवेट कर लेना है। और गाइस एक बार देख लेना है कि एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ। तो गाइस एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद आपको कर लेना है अपने क्रिएट वर्ल्ड पे क्लिक। तो गाइस जैसे ही मैंने क्रिएट वर्ल्ड पे क्लिक किया देख सकते हो, तो गाइस मेरा माइनक्राफ्ट ओपन होने लगा। तो आपको तब तक वेट करना है जब तक आपका माइनक्राफ्ट पूरा ओपन ना हो जाए। तो जब तक मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मेरा वर्ल्ड क्रिएट हो गया। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ आपको करना है। तो आपको सिंपल सा अपनी इन्वेंट्री खोलनी होगी। जैसे आप अपनी इन्वेंट्री खोलोगे यहाँ पे आपको सर्च करना है क्राफ्टिंग टेबल। तो गाइस मैंने यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल निकाल ली है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है यहाँ पे टॉर्च। और गाइस आप चाहो तो टॉर्च सर्वाइवल में भी बना सकते हो। उसके बाद गाइस आपको टॉर्च निकाल लेनी है, और चाहो तो गाइस आप स्मार्ट टॉर्च यहाँ से निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करनी है। और गाइस जैसे आप क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करोगे उस पर क्लिक करना है। और गाइस जैसे आप क्लिक करोगे आपको टॉर्च कहीं भी रख देनी है, तो आपको इससे मिल जाएगी स्मार्ट टॉर्च। और गाइस आपको अपनी इन्वेंट्री खोल के स्मार्ट टॉर्च पहना लेनी है प्लेयर को, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्मार्ट टॉर्च पहन लेता हूँ, मेरी गिर गई एक बार, मैं फिर से पहन लेता हूँ। और उसके बाद क्या करना है, आपको पहना देनी है अपने प्लेयर को। तो गाइस जैसे तो ये मैंने पहन ली। और गाइस ऐसे करके आप अपनी बहुत सारी टॉर्च बना सकते हो, कहीं भी जा सकते हो केव्स के अंदर। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। गाइस मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।